अगर आप हेवी गेमर हो ना तो आपके लिए तो ये फोन बिल्कुल नहीं है भाई, क्योंकि तो भाई Redmi Note 12 सीरीज इंडिया में लॉन्च हो चुका है एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Redmi Note 12 Pro Plus के बारे में। और अगर आप इस वाले फोन को लेने की सोच रहे हो भाई, तो या तो आप इस वीडियो को देखकर अपना पैसा बचा सकते हो या फिर वीडियो छोड़कर आप अपना पैसा बर्बाद कर सकते हो। आज की इस वीडियो में हम आपको इसकी कुछ मेजर प्रॉब्लम के बारे में बताने वाले हैं, जो कि भाई आपको जान लेनी चाहिए, क्योंकि भाई 30,000 रुपया लगा रहे हो और 30,000 रुपया कम नहीं होता है। इन टोटल आपको सारी जानकारी देने वाला हूं इस वीडियो में, इस वाले फोन में क्या अच्छा मिलता है, क्या खराब मिलता है, क्या आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, सारी बातें करूंगा इस वीडियो में। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं करी है तो लाइक कर दो, चैनल पे अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। सबसे पहले मैं आपको इसके कुछ हाइलाइटिंग पॉइंट के बारे में बता देता हूं, उसके बाद हम कमियों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला और सबसे फर्स्ट जो हाइलाइटिंग पॉइंट है भाई, जिसको ब्रांड काफी ज्यादा हाईलाइट कर रहे हैं, इवन भाई लॉन्च इवेंट में जितना मेरे को लगता है बाकी सारी स्पेसिफिकेशन पे ये लोग फोकस नहीं ना कर रहे हैं, उतना भाई इसका कैमरा को हाईलाइट कर रहे हैं। 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है, भाई सैमसंग के HPX सेंसर के साथ आता है एंड 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है और 2 का मैक्रो और 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। देखो कैमरा तो यहाँ पे नंबर वाइज ठीक है, लेकिन भाई इंटरनेट पे विद प्रैक्टिकली टेस्ट करे हैं लोगों ने, वहां पे मैंने देखा भाई, आपको एंड ऑफ द वीडियो हम बताएंगे आपको इसकी। और अगर बात करूं डिस्प्ले की तो डिस्प्ले काफी तगड़ी है भाई, 6.67 इंच की फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले लगी हुई मिलती है, जहां आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, 240 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट देखने को मिलता है, और भाई आपको डॉल्बी विजन, HDR 10 प्लस और गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन वगैरह देखने को मिल जाता है। आप डिस्प्ले में कहीं भी डिसअपॉइंट नहीं होंगे, लेकिन कुछ कमियां हैं जो कि हम आपको कौन से वाले पार्ट में बताएंगे। और भाई इसमें आपको MediaTek Dimensity 1080 का प्रोसेसर लगा हुआ मिल जाता है, जो कि 6nm बेस्ड प्रोसेसर है और आपको 60fps की गेमिंग करा। बात करते बैटरी की तो इसमें आपको 4980mAh की बैटरी लगी हुई मिलती है और 120 वोल्ट का फास्ट चार्जर देखने को मिलता है। एंड यहां पे 120 वोल्ट का फास्ट चार्जर है भाई, इससे मैं काफी इंप्रेस हूं यार, यहां पे काफी अच्छा काम किया गया है। और मेरे को एक और काफी सही चीज लगी भाई इसमें, कि Redmi वालों ने प्रॉमिस करा है कि 2 साल का हम OS अपडेट देंगे और 4 साल का हम भाई सिक्योरिटी पैच अपडेट देंगे, तो ये काफी सही चीज हो जाती है भाई लॉन्ग टर्म यूज के लिए। और इसमें IP53 की रेटिंग दे रखी है, डुअल स्टीरियो स्पीकर दे रखा है, Dolby Atmos का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, और हाँ भाई हेडफोन जैक का कुआं भी है, तो ये मेरे को काफी सही चीज लगी भाई कि हेडफोन जैक दे रखे हैं। एंड गाइस यहाँ पे स्टोरी खत्म होती है, अच्छी चीजें तो मैंने आपको बता दिया, अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे सच के बारे में जिससे आप अनजान हो। एंड गाइस सबसे पहले हम प्राइसिंग डिस्कस करते हैं भाई। देखो मेरे को नहीं समझ में आ रहा कि भाई यहाँ पे Redmi वालों ने मार्केट में कॉम्पिटिशन नहीं देखा था क्या, जो इसकी प्राइस 30,000 रुपया रख दिया यार। वैसे तो आपको दिखा होगा कि ये फर्स्ट सेल में 25-26 का भी मिल जा रहा है, तो वो प्राइसिंग बैंक ऑफर्स के साथ है। लास्ट ईयर 2022 में Realme ने Realme 10 Pro Plus को लॉन्च करा था भाई कर्व डिस्प्ले के साथ, और उसकी प्राइस भाई 25,000 रुपया रखे थे वो लोग। लेकिन यहाँ पे क्या है ना भाई, डिस्प्ले तो काफी सही है भाई, लेकिन अगर ये कर्व डिस्प्ले के साथ आता ना, थोड़ा सा वर्थ था भाई 30,000 रुपया, लेकिन इसमें पूरा फ्लैट डिस्प्ले। तो देखो यहाँ पे मैं कर्व डिस्प्ले की डिमांड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक एक्सपेक्टेशन होती है ना, तो वो थी मेरी, तो ये ठीक है, इसको साइड रखो, इसको कमी वाले पार्ट में मत लाना भाई। और अभी जो भी मैं चीजें बता रहा हूँ उससे आप ऐसा नेगेटिव वे में मत जाना, ये कंपनियां करती ही है भाई, क्योंकि अगर वो सब कुछ अच्छा दे दे तो भाई उसकी तो नैया डूब जाएगी ना, फिर पैसा कैसे कमाएगा वो लोग। इसमें LPDDR4 4X RAM, UFS 2.2 की स्टोरेज दे रखी है, जो कि अभी के टाइम पे भाई 15-20,000 वाले फोन में मिल जाता है, तो यहाँ पे एटलीस्ट भाई LPDDR5 UFS 3.1 की स्टोरेज होनी चाहिए थी। इस वाले फोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है भाई, तो यहाँ पे साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है भाई, काफी लोगों को पसंद आता है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट, लेकिन इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट होता ना तो और ज्यादा कूल होता। ये जो फोन है आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 12 के साथ आता है और MIUI 13 देखने को मिल जाता है। और मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि भाई साहब क्या कर रहे हैं ये लोग, कौन सा माल फूके थे यार बताओ ये। भाई अभी 2023 चल रहा है और आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 12 दे रहे हैं, आई थिंक इसमें एंड्रॉइड 13 होना चाहिए था आउट ऑफ द बॉक्स, तो वो अच्छा होता। और भाई ये चीज उन भाइयों के लिए जो भाई हेवी गेमिंग करते हैं, तो देखो भाई अगर आप हेवी गेमर हो ना तो आपके लिए तो ये फोन बिल्कुल नहीं है भाई, क्योंकि अभी इस प्राइस पॉइंट में देखो तो इससे अच्छा प्रोसेसर मिल जा रहा है
870। और भाई इस वाले फोन में NFC वगैरह का भी कोई सपोर्ट नहीं है। तो देखो जनरली इस प्राइस पॉइंट में जो भी फोन आते हैं उनमें NFC वगैरह का भी सपोर्ट होता है। और भाई इस वाले फोन में आप कोई भी एक स्टोरेज एक्सपेंडेबल नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या है कि 256 GB की स्टोरेज है, तो आई थिंक जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। भाई इस वाले फोन में 900 की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलती है। प्राइस पॉइंट के हिसाब से अगर मैं कुछ भी देखूं ना तो वो कम ही लगेगा। प्राइस इसकी काफी ज्यादा रख दिया यार, 30,000 रुपया बहुत होता है भाई। और मैंने आपको शुरू में बताया था कि कैमरे से रिलेटेड हम बात करेंगे, तो यहाँ पे देखो 200 मेगापिक्सल का कैमरा है भाई। और आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूँ वीडियो की, जाके आप चेकआउट कर सकते हो। IQ Neo 6 के साथ कैमरा कंपैरिजन किया हुआ है। Redmi Note 12 Pro Plus से अच्छी फोटोज भाई IQ Neo 6 में आ रही है, लेकिन ओवरऑल इसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो काफी तगड़ी है भाई। बस एक चीज प्रॉब्लम कर रही है ना यहाँ पे कि भाई प्राइसिंग थोड़ी ज्यादा रख दी है। अगर इसको भाई 25,000 में लेकर आते ना बिना किसी ऑफर के साथ तो ये फोन काफी बेटर था भाई। एंड गाइस आई होप कि यार आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। बाकी आप अपनी राय बताओ कमेंट करके कि आपको क्या लगता है। मैंने अपना ओपिनियन दे दिया भाई, आप अपना ओपिनियन दो। बाकी इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और भाई बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे रखना। मिलते फिर से किसी और ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय मेरे भाई।